हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरमनदीप सिंह। बहुत बार क्या होता है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग जब ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि अब करना क्या है, मतलब राइट शुरुआत जो है वो क्या है, एक राइट स्टार्ट कैसे करें। और क्योंकि आपको इसके बारे में सही से गाइड करने वाला कोई नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है कि आपके जो स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिसमें आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम अपने करने होते हैं, आपको नहीं पता होता है, जिसके कारण आप बहुत बार क्या होता है इस टाइम को सही यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पहले 10 दिन में जब आपकी स्टार्टिंग अप हुई है, जब आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है, आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो पहले 10 दिन में आपने क्या करना है ताकि आप एक सही स्टार्ट ले सकें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो आप हो सकता है बहुत सारे ज़रूरी पॉइंट्स जो हैं उनको मिस कर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दिन की बात करते हैं, अब फर्स्ट डे ज्वाइनिंग के बाद। दोस्तों, फर्स्ट डे में मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने सीनियर जिसने आपको इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करवाया है, जो आपकी अपलाइन है, आप उसके साथ स्पेंड करें। क्योंकि जब आपने ज्वाइन करना था, जब आपने अभी डिसीजन लेना था, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके जो अभी मन में हैं, आपके जो अभी क्लियर नहीं हुए हैं। वो क्वेश्चंस ज्वाइनिंग को लेकर नहीं होंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए आपने क्वेश्चंस जो हैं अपने क्लियर कर लिए होंगे तभी आपने ज्वाइन किया है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में होते हैं कि कस्टमर्स कैसे बनाने हैं, प्रोडक्ट्स कैसे बिकेंगे, या अब क्या करना है, या और बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके माइंड में हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, जितना सीनियर आपका आपको अलाउ करता है, जितनी अपलाइन आपको आपकी अलाउ करती है, उतना टाइम आप उसके साथ ज़रूर स्पेंड करें। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो माइंड में आप क्लियर करें और उनको बोलें कि और ज़्यादा डिटेल में आपको बताएं। आप कह सकते हैं कि आपके लिए एक रिविज़न का टाइम है, ये एक और ज़्यादा बेटर से अंडरस्टैंड करने का टाइम है ये। तो अपना मैक्सिमम टाइम कोशिश करें फर्स्ट डे में आप अपने अपलाइन के साथ बिताएं। और दोस्तों, पहले दिन आपने एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट काम करना है, आपने अपने सीनियर के साथ बैठ के अपनी एक ड्रीम बुक रेडी करनी है। ड्रीम बुक मतलब वो ड्रीम्स आप लिखेंगे और हो सके तो अपनी बुक के अंदर उनकी पिक्चर्स लगाएंगे, जो भी आप ड्रीम्स अपने पूरा करना चाहते हैं इस बिज़नेस में जब आप आ गए हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली यहाँ पे आए हैं अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए। तो वो ड्रीम्स आपके जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतना ही ज़्यादा है बेटर आपके लिए, और वो तभी क्लियर हो पाएंगे अगर आप बैठ के अपने सीनियर के साथ अपनी एक ड्रीम बुक रेडी करेंगे। आप पहले ही दिन में अपने लिए गोल्स सेट करेंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, और वो गोल्स आप लिखेंगे अपनी ड्रीम बुक में या अपनी कोई भी इम्पॉर्टेंट डायरी के अंदर, जो आप जिसको रेगुलरली चेक करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको आपके ड्रीम्स क्लियर होंगे, आपके गोल्स क्लियर होंगे, तो आपको यहाँ पर सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी सपोर्ट मिलेगी। और ड्रीम्स फिक्स करने के बाद, गोल्स फिक्स करने के बाद, अब आपने एक रोड मैप तैयार करना है कि आप कैसे क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे आने वाले टाइम के अंदर इन गोल्स को अचीव करने के लिए, इन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और एडवाइस करूँगा कि अगर पॉसिबल है आपके लिए, अगर आपके शहर में ही आपकी कंपनी का ऑफिस है या अगर कुछ किलोमीटर्स पे भी है, तो पहले दिन ऑफिस को विजिट करने ज़रूर जाएं, कंपनी का ऑफिस विजिट करने ज़रूर जाएं, क्योंकि ऑफिस विजिट करने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जितना अभी तक बना है उससे कई गुना ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। वहाँ पे जाके आप और बहुत सारे लोगों को देखेंगे, अलग अलग एज के, अलग अलग एरियाज के, अलग अलग प्रोफाइल से आए हुए लोगों को देखेंगे आप, तो उससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले दिन आप ज़रूर कंपनी का ऑफिस विजिट करें। अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया है, आप ऑफिस विजिट ज़रूर करें। और उसका एक पर्पस और भी है कि पहले दिन जब जाएं आप ऑफिस में, तो वहाँ पे जो भी लिटरेचर आपको मिले, जितना भी कंपनी का लिटरेचर है, चाहे वो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है, चाहे वो बिजनेस प्रेजेंटेशन के रिलेटेड है, चाहे और भी काफ़ी हेल्पिंग जो लिटरेचर है वो कंपनी की तरफ से ज़रूर प्रोवाइड किया जाता है, तो जितना भी आपको सपोर्टिव लिटरेचर है वहाँ पे, वो आप ज़रूर बाय कर लें। अगर कोई आपकी प्रेजेंटेशन फाइल है कंपनी की तरफ से, उसको भी ज़रूर बाय कर लें, प्रोडक्ट्स के ब्रोशर्स बाय कर लें। और इसके अलावा वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें जिसके साथ आप कह सकते हैं कि आपकी कंपनी की जिसके ऊपर ब्रांडिंग है,
कुछ ऐसी चीज़ें जिससे लोगों को विजिबिलिटी होती है कि आप इस कंपनी में हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि कुछ कंपनीज की तरफ से टी शर्ट्स जो हैं उसके ऊपर प्रिंट होता है कंपनी का सारी लोगो वगैरह, और कुटन होते हैं वहाँ पे, या कैप्स होती हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको मिलती हैं तो उनको भी बाय कर ले। ये इन सभी चीज़ों के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके लिए वर्थ है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है आने वाले टाइम पे। तो इनको ज़रूर बाय कर लें। और साथ में एक और काम जो आपने बहुत ज़रूरी करना है वो ये है कि आप पहले ही दिन कोशिश करें कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़रूर बाय करें। कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी का ज़रूर बाय करें आप, 2, 4, 5 जितने भी प्रोडक्ट्स आप, 10 प्रोडक्ट्स जितने भी प्रोडक्ट्स आप अफोर्ड करते हैं बड़े इजीली, आप उनको ज़रूर बाय करें। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि अगर आपने कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं, आपको नहीं पता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या बेनिफिट है, वो क्यों स्पेशल है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कभी भी किसी को प्रमोट नहीं कर सकते ये प्रोडक्ट्स। तो पहले दिन में आप जितने आप अफोर्ड करते हैं उतने प्रोडक्ट्स आप ज़रूर बाय करें, और अगर पॉसिबल है आपके लिए तो जितने ज़्यादा हो सके उतने प्रोडक्ट्स बाय कर लें आपके पर्सनल यूज़ के लिए। जितने ज़्यादा नंबर्स, जितने टाइप के प्रोडक्ट्स आप बाय कर सकते हैं अपने घर के लिए आप ज़रूर बाय कर लें। और दोस्तों, आप शाम को अपने घर आप जब आ गए हैं, पहुँच गए हैं अब, तो आके आपने स्पेशल अपने लिए टाइम निकालना है। अपनी फैमिली को बोल दीजिए, अपनी फैमिली को बोल दीजिए कि मुझे डिस्टर्ब ना करें। जितना भी लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसको अच्छे से पढ़ें। जो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको वन बाय वन पढ़ना शुरू करें। और दोस्तों, ये जो लिटरेचर की स्टडी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 10 दिनों की हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो इसमें आपने डेली इस लिटरेचर को पढ़ना है, और जितना ज़्यादा टाइम इसके ऊपर आप लगा सकते हैं कंफर्टेबली आपने लगाना है। वो डेली का 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है, 3 घंटे भी हो सकता है, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो इससे ज़्यादा भी आपने स्टडी करना है। कहने का मतलब ये है कि आपने अच्छे से हर पॉइंट को डीपली अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि कंपनी का जो लिटरेचर होता है उसमें सारी की सारी डिटेल्स आपको वो ही प्रोवाइड की जाती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपके बिजनेस को प्रमोट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपने करना ये है कि जितनी भी आपको वो लिटरेचर मिला है उसको आपने अच्छे से स्टडी करना है, और डेली स्टडी करना है। आपका यही काम है कि अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम जो है उसके ऊपर स्पेंड करना है। इसके पीछे पर्पस क्या है? इसके पीछे पर्पस ये है कि जितनी ज़्यादा नॉलेज आपको होएगी उतना ही जल्दी आप खुद ट्रेंड हो जाएंगे, और उतना ही ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अर्ली, जल्दी से जल्दी आपके इंडिपेंडेंट होने के चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग कंपनी को ज्वाइन तो कर लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम के लिए वो अच्छे से नॉलेज ही ग्रैब नहीं करते हैं, वो नॉलेज ही नहीं लेते हैं, जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाता है, और वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, वो उनको कभी कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है कि वो खुद से भी कर सकते हैं। तो वो हमेशा अपने सीनियर के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं, जो कि इस बिज़नेस की ग्रोथ के लिए बहुत ख़तरनाक है। अगर आप अपने सीनियर पर डिपेंडेंट हैं तो आप इस बिज़नेस में बहुत लंबे तक नहीं जा सकते। तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो, और उसके लिए लिटरेचर को आपने पढ़ना है, और पहले 10 दिन में ही आपने कोशिश करनी है कि सारी की सारी नॉलेज जो है वो आपने गेन कर लेनी है। और उसके लिए सबसे बेस्ट जो सोर्स होता है वो यही होता है, लिटरेचर के साथ साथ वहाँ पे आपको वीडियोस के लिए भी कुछ सीडीज वगैरह भी अगर मिलती हैं तो उसको भी ले लें, उसको भी देखें आप। तो पहले दिन आपने यही काम करना है, और साथ के साथ अपने नोट्स बनाते जाना है जो भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स लगते हैं, या अंडरलाइन करते जाएं हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अब आते हैं दोस्तों सेकेंड और थर्ड डे में भी आपने ये जो पहले दिन मैंने काम बताया है आपको वो सारे का सारा आपने सेम करना है। इसमें बस ये है कि आपने सेकंड डे में ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सिटी में ही है ऑफिस तो फिर आप विजिट कर सकते हैं सेकंड और थर्ड डे को भी। अगर आपकी सिटी में नहीं है ऑफिस, आपको आपकी सिटी से बाहर जाना पड़ता है, तो फिर आपको सेकेंड और थर्ड डे में ऑफिस मत जाएं। फिर आप अपने ही सिटी में रहें, अपनी अपलाइन के साथ रहें अगर आपकी अपलाइन आपकी सिटी से ही है, और उसको बोले कि वो आपको किसी और सक्सेसफुल पर्सन के साथ मीटिंग करवाए, आपकी ही कंपनी के किसी और सक्सेसफुल पर्सन के साथ मीटिंग करवाए। और ये काम आपने डेली कोशिश करें कि अगर पॉसिबल है पहले 10 दिन में कम से कम आप 10 सक्सेसफुल पर्सन के साथ कुछ टाइम के लिए मीटिंग ज़रूर अरेंज करें, अगर पॉसिबल है तो। अगर आपका सीनियर आपको इस चीज़ की सपोर्ट करता है तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और कुछ लोग जो सक्सेसफुल हैं इस बिज़नेस में, अगर पॉसिबल है तो आप उनको भी ज़रूर मिले और उनसे टिप्स लें कि कैसे आप बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। बाकी का आपने वही करना है जो आपने फर्स्ट डे में किया था। आप मैक्सिमम टाइम अपने सीनियर के साथ बिताने की कोशिश करें,
उससे और ज़्यादा डिटेल्स लेने की कोशिश करें। एक एडिशनल चीज़ जो सेकंड और थर्ड डे में करनी है, कोशिश करें कि आप कुछ और सीनियर्स या कुछ और सक्सेसफुल पर्सन को मिलें अपनी अपलाइन के साथ और उनसे इंपॉर्टेंट टिप्स लें, और इवनिंग में आप आके फिर दोबारा लिटरेचर को अच्छे से स्टडी करना शुरू कर दें और जितना टाइम हो सके अपने उन लिटरेचर को स्टडी करने में लगाएं, वीडियोस को देखने में लगाएं और जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसको ज़रूर बनाएं। तो बात है दोस्तों फोर्थ डे के ऊपर। फोर्थ डे को मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप घर पर बैठें और अच्छे से अपनी लिस्ट तैयार करें, वो लिस्ट जिन लोगों को अब आप अप्रोच करोगे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने कस्टमर्स को बनाने के लिए। और वो जो लिस्ट है वो कम से कम कोशिश करें 100 से लेकर 200 लोगों की ज़रूर हो, और अगर आप इससे ज़्यादा की लिस्ट बना सकते हैं तो वो बनाएं। ये लिस्ट आपकी 500 से 1000 या इससे ज़्यादा लोगों की भी हो सकती है, उन लोगों की जो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से जानते हैं। ये जो लिस्ट है आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आपके कॉन्टैक्ट सेव हैं आप उसमें से भी बना सकते हैं। और लिस्ट को बनाने के और क्या क्या तरीके हैं वो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करें। मैं कोशिश करूंगा लिस्ट बनाने के ऊपर भी अपनी एक वीडियो बना दूं, और अगर बनाऊंगा तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक उसका ज़रूर दे दूंगा। तो आज फोर्थ डे में आपने सारा दिन लिस्ट बनानी है और इवनिंग में आपने वही फिर काम करना है, अपना लिटरेचर स्टडी करना है, और लिटरेचर स्टडी करके आपने साथ में अपने नोट्स बनाने हैं। अब आते हैं दोस्तों फिफ्थ डे पे आपने अब प्रेजेंटेशन करने की प्रैक्टिस करनी है, आपने फुल डे प्रेजेंटेशन करने की प्रैक्टिस करनी है, और साथ के साथ आपने मार्केटिंग प्लान की प्रैक्टिस करनी है, आपका कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रेजेंटेशन की आपकी प्रेजेंटेशन जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है, मार्केटिंग प्लान की प्रैक्टिस करनी है, और वो उसको बार बार करना है, इतने अच्छे से करना है कि आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अगर आपको अब खुद को ही प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत पड़े तो आप दे सकें, आपको आपके सीनियर के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, आप कॉन्फिडेंटली अपनी प्रेजेंटेशन को कर सकें, आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और इसके लिए एक दिन पूरा दिन बहुत है, और ख़ास करके तब जब आपने ऑलरेडी पहले कुछ दिनों के लिए आपका लिटरेचर डेली पढ़ा है और आपको अब कंप्लीट नॉलेज हो चुकी है आपके बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, और भी जो भी ज़रूरी नॉलेज आपको चाहिए थे अब आप ऑलरेडी खुद ले चुके हैं, तो आप कंफर्टेबली अब प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं और मार्केटिंग प्लान भी दे सकते हैं। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर। दोस्तों फर्स्ट 10 डेज में दो और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने करनी है। उसमें सबसे पहली एक है कि अगर इन 10 डेज में कोई भी कंपनी का बड़ा इवेंट, आपकी कंपनी का कोई बड़ा इवेंट अगर होता है तो उसके लिए आपने बाकी सारे काम स्टॉप करके स्पेशल टाइम निकाल लेना है और अपने उस इवेंट को आपके सीनियर के साथ ज़रूर अटेंड करना है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर इन 10 डेज में आपकी कंपनी का कोई बड़ा इवेंट आता है तो आपने उसको ज़रूर अटेंड करना है। और दूसरी चीज़, इन 10 डेज के अंदर कोशिश करें कि फिफ्थ डे से लेके 10th डे के अंदर अंदर, क्योंकि पहले 5 दिन तक तो आपने प्रैक्टिस वगैरह की और नॉलेज ली, फिफ्थ डे से लेके 10th डे के अंदर आप किसी भी दिन होम मीटिंग का टाइम ज़रूर निकालें। आप नाम से समझ गए होंगे होम मीटिंग मतलब आपके घर पे होम मीटिंग। होम मीटिंग कैसे करते हैं ये आप अपने सीनियर के साथ बैठ के समझें, और फिफ्थ डे से लेके 10th डे के अंदर अंदर आपने अपने घर पे होम मीटिंग भी ज़रूर करनी है। उसमें क्या होता है कि आप अपने गेस्ट उनको बुलाते हैं अपने घर पे, और आपका सीनियर जो है वो वहाँ पे सभी को इकट्ठे प्रेजेंटेशन करता है। ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है फिफ्थ डे से लेके 10th डे के अंदर अंदर। तो अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे के ऊपर। नेक्स्ट, अब जो भी आपके डेज बचे हैं आपने अब क्या करना है, बाकी के 10th डे तक आपने अब जो आपकी लिस्ट बनाई थी आप खुद अपने सीनियर को अब अप्रोच करें और उसको बोले कि हमने प्रेजेंटेशंस करनी है, हमने 1-to-1 मीटिंग्स करनी है, तो उसके लिए उसका टाइम लें उससे और उसके साथ फिक्स करें टाइम। और सबसे पहले जब आप उसको मिलते हैं अपने अपलाइंट को, अपने सीनियर को, तो उसके साथ बैठ के जो भी आपने मार्केटिंग प्लान की प्रैक्टिस की है, जो भी आपने प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस की है, उसके साथ बैठ के प्रॉपर उसको एक डेमो सेशन करके दिखाएं, एक मॉक सेशन करके दिखाएं, जिसमें आप उसको करके दिखाएं कि प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और मार्केटिंग प्लान कैसे शो करते हैं, और उनको बोलें कि अगर कोई इसमें कमी है तो वो आपको बताएं, आपको टिप्स दें
ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन को और मार्केटिंग प्लान को और ज़्यादा बेहतर कर सकें, और जो जो भी वो आपको टिप्स देते हैं उसको नोट कर लें अच्छे से। और सेम डे अब आपने 1-to-1 प्रेजेंटेशन शुरू कर देनी है अपने सीनियर के साथ उस लिस्ट के ऊपर जो आपने लिस्ट तैयार की थी। इन डेज में आप उन लोगों को भी फॉलोअप करेंगे जिन लोगों को आपने मीटिंग में बुलाया था, और उनमें जो जेन्युइनली पर्सन इंटरेस्टेड थे आपके बिजनेस के बारे में डिटेल में और ज़्यादा जानने के लिए या प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा जानने के लिए, मतलब जिनके लिए फॉलोअप करना ज़रूरी था, आप उन लोगों को फॉलोअप करेंगे इन्हीं डेज में। और उसके अलावा ये बाकी की जो कॉल्स 10 कॉल्स हैं आप उनको करेंगे अपने सीनियर के साथ। और यहाँ पे आपने अब एक स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, वो स्ट्रेटजी ये यूज़ करनी है कि आप अपने सीनियर को बोलेंगे कि हम टोटल 10 प्रेजेंटेशंस करेंगे जॉइंटली मिनिमम, और इसमें पहली जो 7 प्रेजेंटेशन होएंगी वो आप बोलें अपने सीनियर को कि वो करें, यानी कि आप और आपके सीनियर इकट्ठे जाएंगे, आपका सीनियर जो है वो प्रेजेंटेशन करेंगे और आप बैठ के साथ पे वॉच करेंगे, और टोटल 7 प्रेजेंटेशन जो है वो इसी टाइप से होंगी, यानी कि आपके सीनियर प्रेजेंटेशन करेंगे और आप साथ में बैठ के प्रॉपर अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप से प्रेजेंटेशन की जाती है, किस टाइप से मार्केटिंग प्लान है जो वो शो किया जाता है। और यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, जैसे कि आपका सीनियर जो है वो आपके साथ आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा, और आप ये सीखेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है और प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, बिजनेस प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग प्लान कैसे शो किया जाता है। 7 प्रेजेंटेशन जो पहली है वो आपका यही पर्पस होएगा कि आप सिर्फ ये सोचें कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जो प्रेजेंटेशंस या मार्केटिंग प्लान के लिए आप जा रहे हैं उसमें ये एक्सपेक्टेशंस मत रखें कि आपकी कोई ज्वाइनिंग हो जाएगी या आपका कोई प्रोडक्ट बिक जाएगा। ये जो 10 कॉल्स हैं इनको सिर्फ इसलिए रखें माइंड में कि आपको सिर्फ ये हो कि हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, मैं सीखने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें सेल नहीं हो सकती या इसमें ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन आपका जो मेन फोकस है वो ये होना चाहिए कि आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। अगर बाय चांस आपकी ज्वाइनिंग्स नहीं होती, कस्टमर्स नहीं बनते इन 10 प्रेजेंटेशंस में, तो आपको उसके लिए फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, आपको अपना फेथ लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है इस बिजनेस के ऊपर। अब 7 प्रेजेंटेशन जब आपके सीनियर ने कर दी, उसके बाद आप बोलेंगे अपने सीनियर को कि अब आप प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, अब प्रेजेंटेशन जो है मैं करूँगा, क्योंकि 7 प्रेजेंटेशन में आप अच्छे से देख चुके होंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। अब जो नेक्स्ट 3 प्रेजेंटेशन है वो आप करेंगे, और जो आपके सीनियर है आप उनको ये बोलेंगे कि जब आप 3 प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें आपके सीनियर अच्छे से वॉच करें कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, और अगर कोई कमी है तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी कि आप उनसे टिप्स लेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन को कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये थी टोटल 10 प्रेजेंटेशन दोस्तों, जिसमें आप अच्छे से ट्रेंड भी हो चुके होंगे, प्रैक्टिस करके आप कॉन्फिडेंट भी हो चुके होंगे। इन 10 अपॉइंटमेंट्स के बाद अब आप इंडिपेंडेंटली कैपेबल हो जाएंगे आपके खुद के बिजनेस को खुद प्रमोट करने के लिए। तो ये थी दोस्तों डिटेल्स रिगार्डिंग कि जब आप शुरू करते हैं तो कैसे शुरू करना चाहिए, आपको पहले 10 दिन में क्या करना चाहिए। ये सब बड़ा सिंपल है, जब आपको अब नॉलेज मिल गई है तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि अपनी तरफ से पूरी डिटेल्स आपको इसमें दूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, जितने भी आपके सीनियर्स हैं या आपकी डाउनलाइन है, आप सभी को ये ज़रूर शेयर करें वीडियो, ताकि हर पर्सन इस वीडियो का फ़ायदा ले सके और इस बिज़नेस में एक सक्सेसफुल स्टार्ट कर सके, ताकि वो एक अच्छा करियर बना ले नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।